मुझे पता नहीं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सो गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। तो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और मेरा G2 का एग्ज़ाम है 10:44 पे। तो मैं एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा, फेल हूँगा या पास हूँ। ये मेरा तीसरा थर्ड अटैम्प्ट है। देखो भगवान क्या करता है, क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि G2 का एग्ज़ाम पास होऊंगा या फेल होऊंगा। तो वो वीडियो ज़रूर बना लूँगा मैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अभी मैं तैयार हो जाता तो खाना खुना बना लेता हूँ, है ना। नर्वस हूँ थोड़ा, पता नहीं क्या होने वाला है। 2 बार फेल हो चुका हूँ G2 में, अब ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। देखो क्या होता है। अच्छी नींद आई है क्योंकि पिछले जो 2 G2 दिए थे, G2 का एग्ज़ाम दिया था ड्राइविंग का, तब मैंने नाइट शिफ्ट लगाई थी। हे भगवान, अब आज क्लियर हो जाए, बस सही हो जाएगा। और गाइस, अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है ना, तो उसे लाइक तो कर दिया करो वीडियो को, वो तो करते हो आप, थैंक यू उसके लिए। शेयर भी कर दिया करो ताकि दूसरे लोगों को पता लगे, हाँ प्रियांशु इस वजह से फेल हुआ, ये गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो ये गलती ना रिपीट करूँगा। तो फिर वो आपके जो टाइम और पैसे वेस्ट नहीं होंगे जैसे मेरे हो रहे हैं। मैं कम से कम $300-400 कर चुका हूँ, जबकि मेरे लगने चाहिए थे $100। बस $400-500 मैं वेस्ट कर चुका हूँ इसमें, एग्ज़ाम में। मुझे समझ नहीं आता क्या करना है अब। देखो क्या होता है, भगवान करे बस हो जाए किसी तरह। मेरे लिए दुआ करना, हे भगवान हो जाए। टेंशन हो रही है, बट देखते क्या होता है। सो गाइस, क्लास तो होगी मेरी, अब ड्राइविंग करने चलते हैं। अभी हमारी टीचर आएंगी, इंस्ट्रक्टर कहते हैं जिन्हें। मुझे थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है, बट भगवान सही कर दे यार। बहुत मुश्किल से थर्ड अटेम्प्ट है। और ये रही टोयोटा करोला, करोला सबसे बढ़िया गाड़ी है अगर कनाडा में आपको लेनी होगी तो। मैंने कार अभी ली नहीं है, बट लूँगा तो करोला ही लूँगा, अभी नहीं लूँगा बट टाइम लगेगा तो लूँगा ज़रूर। सो गाइस, मैं कार में बैठ गया हूँ। रूल्स तो आपको मैं आपको आराम से बता दूंगा रूल्स को। ये टोयोटा करोला मुझे बहुत अच्छी लगती है कार, पता नहीं मेरी फेवरेट कार है। वेट कर रहा हूँ कब आएगी मैडम। ये टिकट नंबर मिल जाता है आपको, ये वाला G1 के टाइम पे भी मिलेगा और G2 के टाइम पे भी मिलेगा। तो नर्वस तो हूँ, बट गाइस आई लव यू ऑल। बस आप लोगों की दुआ होगी ना तो पक्का मेरा G2 क्लियर होगा, क्योंकि मुझे पता है भगवान भी चाहता है अगर मेरा क्लियर हो गया ना तो प्रियांशु गुप्ता अपना सारा एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस शेयर करेगा। फाइनली कार में बैठ गया हूँ, बट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, मुझे पता है सबको होगी। एक्चुअली क्या करें, सीट बेल्ट लगा लूँ? जय माता दी। सो गाइस, मुझे पता है मेरे साथ आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो कि प्रियांशु का ऐसा रिएक्शन है, मेरा क्या होगा यार। बाकी लोग भी G1 में एक बार में क्लियर हो गया था, G2 भी एक बार में क्लियर है। जरूरी नहीं कि अगर मैं तीसरी बार में अगर बाई चांस क्लियर कर लूँ तो आप भी, आपको भी 2 अटेम्प्ट लगेंगे। अगर मेरा क्लियर होता है G2 तो मैं ये ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा, अदरवाइज यार मेरा मन तो नहीं कर रहा। मैं बता शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस, दैट्स वाई मैंने अपलोड नहीं किया। 2 बार G2 में फेल हो चुका हूँ। बट डू यू नो, फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर आप फेल नहीं होगे तो आप कुछ लाइफ से सीखोगे नहीं। तो मुझे अपना ही मानते हो आप लोग, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। सीरियसली आई लव यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही मैं मतलब इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा हूँ, इतने ज़्यादा मुझे लोग मिल रहे हैं। आई लव यू ऑल, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आप लोगों से। गाइस थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और G2 का एग्ज़ाम बता दूंगा आपको एक्सपीरियंस एक बार हो गया तो। ओके बाय बाय। और कहते हैं ना कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो मेरे जो बैड एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपकी ताकत बनेंगे और आप बहुत ही आगे जाओगे। गाइस प्लीज मेरे लिए दुआ करना, हालांकि ये वीडियो अपलोड होगी तब तक मैं तो क्लियर कर ही चुका हूँगा, है ना G2। तो दुआ तो तब भी लगी रहेगी क्योंकि मैं इतने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, हफ्ते में 2 वीडियोस आ रही हैं। तो आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच, बाय बाय। तो मैं आपको बताता हूँ क्या रिजल्ट आया है, अभी मैडम आएंगे तो।
आई लव यू गाइस, आई लव यू, आई एम वेरी हैप्पी। फाइनली G2 क्लियर हो गया इतने मेहनत के बाद। खुशी के आंसू, कैसे आप लोगों का मैं थैंक यू कहूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से G2 क्लियर हो गया। लव यू ऑल। पता था मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करके, और आपकी मुझे ब्लेसिंग्स लगेंगी ही लगेंगी, चाहे मॉम डैड हो, पेरेंट्स हो, कोई भी फ्रेंड हो, गर्ल हो, बॉय हो, आप लोगों की मुझे ब्लेसिंग्स की वजह से भी मैंने थर्ड अटेम्प्ट में G2 क्लियर कर लिया आखिरकार। अब मैं आपको ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो मैंने की थी और उससे आप सीखना, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो गलतियाँ मैंने की हैं आप उससे रिपीट करो, आप सीखो उससे, ठीक है। तो मैं आपको अभी कहीं जा के आराम से अपनी गलतियाँ बताऊँगा। आई लव यू ऑल गाइज, माई YouTube फैमिली इज़ ग्रोइंग, एंड बस प्यार देते रहना अपना। बस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं 2 बार G2 में किस वजह से फ़ेल हुआ था। तो अभी मैं ट्रैम पकड़ने जा रहा हूँ, अपनी ट्रैम एक होती है, ट्रेन टाइप होती है, तो मैंने सोचा चलो मैं जा ही रहा हूँ तो साथ में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा कि क्या हुआ था, मैं फ़ेल क्यों हुआ था, किस रीज़न से फ़ेल हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ, पहली बार मैं फ़ेल हुआ था, नाइट शिफ्ट ना लगाओ। जिस दिन आपका टेस्ट हो आप नाइट शिफ्ट ना लगाओ। मैंने दोनों बार टेस्ट था तो दोनों बार मेरा नाइट शिफ्ट था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, नाइट शिफ्ट लगाने की वजह से मेरी जो कॉन्शियसनेस है टेस्ट को पास करने के लिए वो ख़राब हो गई थी। तो मतलब मेरा फोकस नहीं बना था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप ड्राइविंग करते हो आपको सारा फोकस करना पड़ता है, योर स्पीड लिमिट एज वेल एज लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को देखने के साथ साथ आपको पेडेस्ट्रियन को भी देखना पड़ता है। क्योंकि मैं कह रहा था कि नाइट शिफ्ट बिल्कुल ना लगाओ, क्योंकि आपकी कॉन्शियस जो होता है ब्रेन वो काम करना बंद कर देता है। तो पहली गलती ये थी। और उसमें क्या था, मेरी गलती क्या हुई थी, गलती ये हुई थी मेरी, जैसे ड्राइविंग कर रहा था तो मैंने सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया, सिग्नल पे ध्यान देना चाहिए था, तो सिग्नल पे नहीं ध्यान दिया और पेडेस्ट्रियन नहीं देखा लेफ्ट साइड। तो मैं आपको एक बेसिक रूल बताता हूँ, बेसिक रूल जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी ड्राइविंग मैंने जो एक्सपीरियंस किया, टेक योर टाइम, जितनी स्लो कर सकते हो स्लो कर लो, टेक योर टाइम, जितना आप टाइम लोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज ज़्यादा टाइम लेने से ये फ़ायदा होगा आपका कि आपके ब्रेन को सोचने की पावर मिलेगी, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो टेक योर टाइम, ओके। तो अगला मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा काम है मुझे, बताता हूँ आपको। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि स्लीप, अच्छी से स्लीप लो, और स्लीप की वजह से 3 चीज़ें, सिग्नल, ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियन। लेफ़्ट टर्न यहाँ का थोड़ा मुश्किल होता है, जब भी आप क्लासेस लोगे लेफ़्ट टर्न की प्रैक्टिस हमेशा करना, लेफ़्ट टर्न, 3-point turn और पैरेलल पार्किंग, अपहिल पार्किंग, डाउनहिल पार्किंग, ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो बहुत इजी होता है यार, कोई भी पास कर लेता है, बट हम हैं एक्सेप्शन। भगवान ने मुझे इसीलिए फ़ेल किया होगा कि मैं अपनी जो गलतियाँ वो नोटिस करूँ और एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ। तो आई लव यू ऑल गाइस, भगवान ने नहीं फेल किया, मतलब किस्मत में लिखा होता है ना, जितना ट्राई करो। तो अब पास हो गए, तो अच्छी लगी वीडियो मेरी टिप एडवाइस, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके गाइस, ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।